नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक न्यूज उत्तराखंड 24/7। आइए शुरुआत करते हैं आज की ताजा खबरों की। मैं मोहम्मद आदिल फरीदी, राष्ट्रीय मानवाधिकार डिप्टी कन्वीनर। राष्ट्रीय मानवाधिकार कमेटी इस मांग को करती है राज्य सरकार से भी और केंद्र सरकार से भी कि जिस तरीके से चीनी का भाव निर्धारित कर रखा है सरकार ने, 3100 रुपए से कम चीनी मिल स्वामी नहीं बेच सकते, इसी तरीके से हम केंद्र सरकार से, राज्य सरकार से, राष्ट्रीय मानवाधिकार कमेटी इस मांग को मांगती है कि गुड़ का भाव भी 3000 किया जाए, ताकि जो किसान भाई कोल्लू चला रहे हैं वे अपना अच्छी तरीके से गुजर बसर कर सके और जो किसान का गन्ना खरीदते हैं उनका पैसा में दे सके, ताकि दोनों तरीके से किसान मर जाएगा। जैसे हमारा केंद्र सरकार कहती है कि किसान की दोगुनी आय करे, तो इसी तरीके से दोगुनी आय क्या, एक गुनी भी आय नहीं रहेगी और किसान पे सिर्फ आत्महत्या के सिवा और कुछ नहीं बचेगा। और राष्ट्रीय मानवाधिकार कमेटी के चीफ कन्वीनर के संज्ञान में मैंने ये मामला कल गिरा है और डॉक्टर आनंद वर्धनी जी जो पूर्व जज साहब है सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने इस पर जल्दी अपनी निगरानी में लेके जल्दी इसमें लेटर लिखेंगे केंद्र सरकार को भी और राज्य सरकार को भी। और इस मांग को आपके माध्यम से मैं दोबारा से फिर अपील करना चाहता हूँ केंद्र सरकार से भी और राज्य सरकार से भी कि इसमें गुड़ का भाव तय किया जाए, वरना चरखी वालों की बहुत बुरी स्थिति है और इबाल चरखी बहुत घाटे से चल रही है, इसी तरीके से किसान बेचारा लाचार और मजबूर है, तो किसान के बारे में कहीं ना कहीं सोचा जाए। और देश को सबसे अहम भूमिका जो है वो किसान की है, जैसे पीछे लॉकडाउन रहा है, किसान एक अन्नदाता में आता है और अन्नदाता का हमारा फर्ज बनता है कि उसकी तरफ हम गौर करें। और हम अपनी राज्य सरकार से और केंद्र सरकार से ये अपील करते हैं कि इनके बारे में कुछ ध्यान दिया जाए और इन पे इस भाव को कहीं ना कहीं अपने ध्यान में रखते हुए इस भाव को निर्धारित किया जाए।